आपने पूछा कि मनकूला जायदाद और गैर मनकूला जायदाद में क्या फर्क है। असल में लफ्ज मनकूला नकल करना से निकली है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना या जाना। नकल मकानी भी इसी से है, नकल मुंतकल करना और मकानी जगह एक जगह से दूसरी जगह। तो मनकूला वो है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और गैर मनकूला वो है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। इसको इंग्लिश में कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल जो मनकूला है जिसको मूव किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इमूवेबल जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता, यानी गैर मनकूला। अब मिसाल मनकूला जायदाद की मिसाल क्या होगी, आपके पास गाड़ी है, आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, तो ये मूवेबल है, ठीक है, ये मनकूला है, आप एक जगह से दूसरी जगह नकल कर सकते हैं। और लेकिन आपका घर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते, तो ये गैर मनकूला प्रॉपर्टी है। इस्लाम ने मूवेबल और इमूवेबल का कॉन्सेप्ट दिया। इसी तरह से जो टैक्स सिस्टम होता है वो भी मूवेबल और इमूवेबल पर डिफरेंटली इम्पोज किया जाता है।